The question is, Metro Paints Limited invited applications for issuing 1,60,000 equity shares of 10 each at a premium of rupees 3 per share. Pahla sentence. Last sentence hota hai, prepare necessary journal entries for the above transactions in the books of Metro Paints Limited. Question 2-4 bar padh lo. When a problem is well understood, it is half solved. और क्वेश्चन 2-4 बार पढ़ने में आपको आधा समझ में आ गया, सोचो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आधा हो गया, हाफ सॉल्व हो गया, बाकी आप लिखना है. तो इन द बुक्स ऑफ नेट्रो पेंट्स लिमिटेड, इसके बाद आप लिखो वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स के नीचे आप लिखो नोट 1. नोट 1 में एप्लीकेशन 6 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम 5+1, अलॉटमेंट 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 2+1, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज, तो टोटल हो गया आपके 10+2 12 रुपए, 10+2 12 रुपए. तो 12 रुपए में क्या होगा आपके, ना ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, आदित्य हुआ जो अलॉटेड 3200 शेयर, तो टोटल हो गया 10+2 12. आदित्य जिसने 3200 शेयर जिसको अलर्ट हुआ था, उसने अलर्टमेंट और फास्ट कॉल दिया और उसके बाद उसका शेयर फोर्फिट हो गया, उससे आधा शेयर रिइश्यू हो गया. बढ़िया क्वेश्चन. तो हमारा यहाँ पे क्रिटिकल कैलकुलेशन चाहिए. कंडीशन 2 है, अलर्टमेंट मनी नहीं मिल रहा है और शेयर प्रोराटा हो रहा है. ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाता है, हम क्रिटिकली क्वेश्चन में थोड़ा बहुत 5 लाइन का क्रिटिकल कैलकुलेशन करेंगे. नाउ नंबर ऑफ शेयर इशू 1,60,000 शेयर इशू हो रहा था, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 1,80,000 और नंबर ऑफ शेयर इशूड 3200 और नंबर ऑफ शेयर से फर्कित है 3200. ये इसको आप ठीक करना है आपको. तो नाउ द थिंग्स विल बी लाइक दिस. नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हो, हाफ ऑफ दी शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड हाफ ऑफ दी फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 43,000. तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इज 1600 16. ये 3200 को ठीक कर 1600. देन स्टेटमेंट नोट 2, स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोराटा अलॉटमेंट, इसमें होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर्स अलॉटेड. 10,000 एप्लीकेंट को शेयर दिया नील, 10,000 एप्लीकेशंस को शेयर दिया नील और 1,70,000 एप्लीकेशंस के 1,60,000 शेयर अलॉट किया और टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,80,000, टोटल शेयर अलॉटेड 1,60,000. 1,80,000 एप्लीकेशंस को 1,60,000 शेयर अलॉट होना था, बट 10,000 को पूरा रिफंड कर दिया पैसा, मना कर दिया कोई शेयर नहीं है 10,000 एप्लीकेंट्स को और 1,70,000 एप्लीकेशन पे 1,60,000 शेयर अलॉट किया. देन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट्स, अमाउंट कैसे कैसे एडजस्ट होगा. ना आदित्य इज द पर्सन जिसने 3200 शेयर के लिए अप्लाई करा था. देन लिखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 3200 शेयर्स, आदित्य को 3200 शेयर अलॉट किया. देन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, 1,70,000 एप्लीकेशंस को 1,60,000 शेयर अलर्ट हुआ है. जिसको 3200 शेयर अलर्ट हुआ है उसने कितने एप्लीकेशन भेजा था, ना 3,400 एप्लीकेशन. नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कम ही आपका आदित्य 3,400. उसका पैसे का एडजस्टमेंट बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव 3,400 × 6 20,400, लेस एप्लीकेशन मनी दिए 3,200 × 6 19,200, बच गया उनका 1,200 एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन. लेस अलर्टमेंट मनी दिए 3,200 × 3 रुपये, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम दोनों में काटेंगे. उसने 3,400 शेयर के लिए अप्लाई करा था, हमने 3,200 शेयर दिया, तो 3,200 × 3 9,600. और अगर उसने अलर्टमेंट दिया नहीं तो इतना दिया, 8,400 नॉट रिसीव्ड, अलर्टमेंट मनी नॉट रिसीव्ड 8,400.
अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव 8000 टैक्स। इसके बाद नोट फोर, नोट फोर में लिखेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल डी, क्योंकि यहाँ पे 3200 शेयर फॉरफिट करके 1600 शेयर रिसीव करते हैं। देन अमाउंट फॉरफिटेड अपन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड द फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर रिइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन दी अमाउंट होगा 17200 बाई 3200। 17200 कैसे आया ना, उससे अमाउंट रिसीव से हमने माइनस कर दिया प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कलेक्टेड इन केस ऑफ एप्लीकेशन। 3200 इंटू एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम आपके दे रखा है 2 रुपये, तो 3200 इंटू 1 तो 3200 इंटू 1 प्रीमियम माइनस करके फॉरफिट करा मल्टीप्लाइड बाई 1600 रीइश्यूड शेयर माइनस 0 डिस्काउंट इन रीइश्यू 0 इज इक्वल टू 8600 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, क्योंकि शेयर प्रीमियम मेरी इश्यू हो रहा है इसलिए 0 माइनस करके 8600 आया। तो द नेक्स्ट वन इज शेयर नोट्स जर्नल एंट्री जो लिट्रो पेंट्स लिमिटेड डेट पर्टिकुलर से लेजर फ्लो डेबिट क्रेडिट कॉलम से बनेंगे। डेबिट क्रेडिट कॉलम में रुपी फ्रॉडियन का सिंबल होगा। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 180,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹6 पर एप्लीकेशन 180,000 इंटू 6 1080,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों में आएगा। सेकेंड एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1080,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 160,000 शेयर है और हर शेयर में 5 रुपये है कैपिटल 160,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 160,000 इंटू 1 क्योंकि एप्लीकेशन में 1 रुपये प्रीमियम है तो प्रीमियम का ड्यू एंट्री करेंगे 160,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 6 60,000 क्योंकि अलॉटमेंट में 170,000 को हम 160,000 शेयर दे रहे हैं बच कितने गया 10,000 इंटू 6 60,000 टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 6 60,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी डी वन 160,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 एप्लीकेशन एंड रिफंड मेड ऑन 10,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर ईच पर एप्लीकेशन ईच। इसका मतलब है टोटल 180,000 से 160,000 का कैपिटल 5 रुपये ड्यू कर दिया, प्रीमियम 1 रुपये ड्यू कर दिया 160,000 शेयर पे, और जो 10,000 170,000 को 160,000 दिया, इसका मतलब जो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन है उसका मनी 6 रुपये उसको अलॉटमेंट में डाल दिया, और जो 10,000 को कुछ भी नहीं दिया उनको क्या करा 10,000 इंटू 6 60,000 टू बैंक कर दिया। पैसे लेने का होता है बैंक टू एप्लीकेशन और रिवर्स का होता है एप्लीकेशन टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 160,000 इंटू 3 दैट इज 480,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 160,000 इंटू 2 3,20,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 रुपये आपको पता है 160,000 इंटू 1 160,000। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 160,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यानी 160,000 पे टोटल 3 रुपये हमने ड्यू एंट्री पास करा 2 रुपये कैपिटल का और 1 रुपये प्रीमियम। जो पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट का इट विल बी लाइक दिस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 411,600 ईच। कैसे नरेशन पढ़ता हूँ समझ में नहीं आएगा तो दोबारा समझाऊंगा। बींग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव 480,000 ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट का डेबिट में, क्रेडिट में 480,000 माइनस 60,000 आप देखो एंट्री नंबर 2 में फोर्थ लाइन में एंट्री में लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 यानी वो 60,000 कट जाएगा पहले मिल गया था, माइनस 8,400 रुपये प्रोराटा के टाइम पे जिस बंदे ने 3200 शेयर लिया है उसने ज़्यादा पैसे दिया था उसका जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है आने के एडजस्ट होने के बाद हमें 8,400 रुपये अलॉटमेंट में उससे नहीं मिला था, तो वही 8,400 हमने माइनस करना है। तो आप वर्किंग नोट 3 में रेफर करोगे तो यू विल बी गेटिंग।
दिस इज 411,600। इसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिंपल डिविडेंड बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी डी वन 160,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 3 पर शेयर पर कैपिटल, तो 480,000 शेयर कैपिटल के लिए मिल रहा है और जो पैसे मिल जाएंगे बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट वो होता है बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 156,800 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर पर कैपिटल। तो क्योंकि आपको ध्यान होगा 160,000 से 3,200 शेयर पे पैसे नहीं मिले, तो 156,800 पे रुपीज 3 दैट इज 156,800 शेयर पे रुपीज 3 दैट विल बी सम एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वहाँ यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा है, उसको ठीक कर देंगे क्योंकि 160,000 शेयर था 3200 माइनस करो मल्टीप्लाइड बाई 3 तो दैट अमाउंट इज रॉन्ग, उसको ठीक करना। 156,800 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना बन रहा है 470,400, वो गलत कुछ लिख गया था उसको ठीक कर, देन फॉरफिट करो 3200 शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3200 × 10 फुली कॉल्ड 32,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 3200 × 1 क्योंकि अलॉटमेंट का प्रीमियम मिला नहीं, एप्लीकेशन का प्रीमियम तो मिल गया है छोड़ दो उसको, 3200 प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट होगा और क्रेडिट में भी आएगा, 2 शेयर फॉरफिट करा था, 20,400 मिला था उससे प्रीमियम हटा दो क्योंकि प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, 3200 × 1 माइनस करके 17,200 फॉरफिटेड अमाउंट है, 2 शेयर अलॉटमेंट 8,400 वर्किंग नोट थी देखो, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3200 × 3 9,000 डेबिट क्रेडिट दोनों 35,200 हो रहा है। बिंग 3200 शेयर नरेशन, बिंग 3200 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ड्यू टू नॉन रिसीव ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद नेक्स्ट होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड 43,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1600 × 10 16,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दैट इज 27,000 1600 × 10 16,000 हो गया, 43,000 में बिक रहा है क्वेश्चन में दे रखा है, 16,000 उसका कैपिटल वैल्यू है, आधा शेयर का कैपिटल वैल्यू फुली पेड 16,000 माइनस करके जो डिफरेंस आया दैट इज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 27,000 जो शेयर बिक रहा है उसका कैपिटेशन वैल्यू के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 27,000 आया। बिंग 600 शेयर रीशूड आज 11 पर शेयर फुली पेड और इसके बाद कैपिटल रिजर्व निकालो, शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,600 बिंग प्रॉफिट एंड फॉरफिचर एंड रीशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे मैंने फॉर्मूला जो वर्किंग नोट 4 में पहले लिखा था दोबारा इसको इधर ले आया ताकि आप इजीली अमाउंट समझ सको, अमाउंट फॉरफिटेड 17,200 आफ्टर डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वो 3200 शेयर में डिवाइड करो और रीशू हो रहा है 16, 0 होता है डिस्काउंट एंड रीशू में 0 है क्योंकि रीशू के टाइम पे शेयर ज़्यादा पैसे में बिक रहा है, तो 8,600 कैपिटल रिजर्व आया। अभी जर्नल को टोटल करो नेक्स्ट लाइन दैट इज जर्नल का अगर टोटल करेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी 40,88,800 बोथ द कॉलम एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा तो आप मेरा सारे वीडियोस को आप लाइक करते रहिए और उसको शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को हेल्प करते रहिए क्योंकि परोपकार आए स्वर्ग आए, अगर दूसरे का उपकार करते हैं तो आप स्वर्ग में पहुँचते हैं सीधा, एंड मेरे वीडियोस शेयर करें एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।